तो हम लोगों ने देखा था कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। उसके कंसेप्ट हमने देखे थे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के एब्स्ट्रैक्शन देखा था हमने। उसके बाद हमने देखा इनहेरिटेंस, सॉरी हमने देखा एनकैप्सुलेशन। कल हम लोगों ने देखा एनकैप्सुलेशन क्या होता है और किस तरीके से हम लोग हमारे डेटा को एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो बेसिक प्रिंसिपल्स है उनमें से अगला प्रिंसिपल देखते हैं हम कि इनहेरिटेंस क्या होता है। हम लोगों ने पहले इनहेरिटेंस को देखा था, मतलब हाँ ऊपर ऊपर देखा था हमने कि इनहेरिटेंस क्या होता है। हम लोगों ने सी प्लस प्लस का रेफरेंस लिया था और सी प्लस प्लस के रेफरेंस के थ्रू हम लोगों ने समझा था कि इनहेरिटेंस एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो इनहेरिटेंस क्या होता है कि एक क्लास के मेंबर दूसरे क्लास में हम लोग इनहेरिट करके उनको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, क्लास की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट किए हुए क्लास में हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो सी प्लस प्लस में हमने पांच इनहेरिटेंस देखे थे, पांच प्रकार के इनहेरिटेंस। अब सॉरी, अब क्या होता है कि जब हम जावा की बात करते हैं, जावा इनहेरिटेंस की बात करते हैं, तो जावा में सिर्फ सिंगल इनहेरिटेंस पॉसिबल है ऐसा मानते हैं। ठीक है, लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं है। ठीक है, जावा भी एक से ज़्यादा इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है। वो कैसे हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, हम लोग प्रोग्रामेटिकली देखेंगे कि इनहेरिटेंस एक्चुअली कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है जावा में और इसका हमें फ़ायदा क्या रहेगा। ठीक है, यह हमारा आज का ऑब्जेक्टिव रहेगा लेक्चर का। ठीक है, तो अभी तक हमने जितना इनहेरिटेंस देखा है उसमें आपको कोई प्रॉब्लम है नो सर, प्रशांत जी? नो सर, ठीक है, तो आगे बढ़े हम। जी सर, ठीक है, स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी। तो हम जानते हैं कि जावा में इनहेरिटेंस जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का चार बेसिक प्रिंसिपल में से एक है। ठीक, तो आज हम देखेंगे कि इनहेरिटेंस एक्चुअली कैसे इम्प्लीमेंट होता है जावा में। ठीक है, तो जब भी हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं जावा में, तो क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि एक क्लास की प्रॉपर्टीज़ को या फिर मेथड्स को हम किसी दूसरे क्लास में इनहेरिट करके उनको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस में क्या होता है, मेनली एक पेरेंट क्लास होता है और एक चाइल्ड क्लास होता है। अब इनको बेस क्लास और डिराइव क्लास ऐसे भी कहते हैं। पेरेंट क्लास को बेस क्लास भी कहा जाता है और चाइल्ड क्लास को डिराइव्ड क्लास भी कहा जाता है, या फिर चाइल्ड क्लास को सब क्लास कहते हैं, या और जो बेस क्लास होता है उसे सुपर क्लास कहते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी है उनकी। ठीक है, लेकिन पॉपुलर टर्म कैसे है कि डिराइव क्लास या फिर बेस क्लास, ये पॉपुलर टर्म है, या फिर पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास ऐसे ही कहा जाता है। ठीक है, जी सर, तो सी प्लस प्लस में हमने देखा था कि इनहेरिटेंस के पांच प्रकार होते हैं। ठीक है, सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल, हेरेटिकल एंड हाइब्रिड, ये हमने सी प्लस प्लस में देखे थे। लेकिन क्या होता है कि जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता। जावा जो है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता।
अब जब हम कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, तो इसके लिए भी कुछ लूप होल्स होते हैं। अब लूप होल्स पता है ना क्या होता है कि लूप होल्स को कैसे, अगर कोई चीज़ नहीं हो रही है तो दूसरे तरीके से किया जाए, नॉट बाय द रूल, बाय हुक और बाय क्रूक, ऐसे करके हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर सकते तरीके से किसी भी तरीके से हैं। अच्छा तो जावा में भी मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल है, लेकिन जब हम एक्चुअली इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता। अब हमें करना ही है तो हम किसी दूसरे तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो कैसे वो हम आगे देखेंगे, लेकिन बेसिकली जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, अब क्यों नहीं करता ये भी हम देखेंगे आगे। जावा में इनहेरिटेंस के लिए एक्सटेंड कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। जब हम एक्सटेंड कीवर्ड के साथ किसी क्लास को इनहेरिट करते हैं, तब वो उस क्लास की सारी प्रॉपर्टीज, सारी मेथड्स, वो उस चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास की सारी प्रॉपर्टी आ जाती है एक्सटेंड कीवर्ड के साथ। जैसे ही हम एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ करके इनहेरिट करते हैं तो वो आ जाती है। तो सिंटैक्स क्या है अभी इनहेरिटेंस का, देखिए ये क्या लिखा हमने, ये क्लास लिखा, ये पेरेंट क्लास है हमारा, अभी यहाँ पे पेरेंट क्लास का नाम होगा, फिर ये पेरेंट क्लास की बॉडी स्टेटमेंट्स, यहाँ पे मेथड्स या प्रॉपर्टीज जो भी है उसकी सारी, ये यहाँ पे रहेंगी। यहाँ पर पेरेंट क्लास ख़त्म हुआ। अब यहाँ पे हमने एक दूसरा क्लास लिखा है, अब वो मान लीजिए कि ये चाइल्ड क्लास है, ये चाइल्ड क्लास है। अब ये चाइल्ड क्लास क्या करता है, एक्सटेंड्स करता है, क्या करता है, एक्सटेंड करता है पेरेंट क्लास को। मतलब इसकी जितनी सारी मेथड्स है, जितनी सारी प्रॉपर्टीज़ है, वो सारी मेथड्स प्रॉपर्टीज़ इस क्लास में ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, क्योंकि उसने क्या किया है, उसे एक्सटेंड करके इनहेरिट किया है। ओके ठीक है, तो इनहेरिटेंस के जावा में कितने प्रकार होते हैं, तो हम लोग मानते हैं ऐसे कि तीन प्रकार के इनहेरिटेंस होते हैं जावा में। ठीक है, एक होता है सिंगल इनहेरिटेंस, दूसरा होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, और तीसरा होता है हेरेटिकल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है, देखिए अभी हमारे पास मान लीजिए कि एक ये क्लास है और ये क्लास बी है, तो क्लास बी ने क्या किया, क्लास ए को एक्सटेंड किया। ये जो क्लास ए है इसकी सारी प्रॉपर्टीज मेथड्स क्लास बी ने एक्सटेंड की, तो बी क्या हुआ, चाइल्ड, ए पेरेंट हुआ, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, देखिए अभी क्लास ए में क्या है, हमने क्लास ए लिखा, यहाँ पर हमारे क्लास का नाम क्या है, क्लास ए। अब इस क्लास ए में एक डिस्प्ले नाम की मेथड है, ये DSP डिस्प नाम की एक मेथड है, और यहाँ पे हमने क्या लिखा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन पेरेंट क्लास, क्योंकि ये क्या है, ये पेरेंट क्लास है। क्यों पेरेंट क्लास है, क्योंकि क्लास बी ने ए को एक्सटेंड किया है। ठीक है, क्लास बी की भी कुछ मेथड्स हो सकती हैं। ठीक है, तो क्लास बी की एक शो नाम की एक मेथड है। ठीक है, तो इस शो नाम की मेथड में हम लोगों ने क्या किया है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन चाइल्ड क्लास, सिर्फ इतना लिखा है। ठीक है, जब भी ये मेथड एग्जीक्यूट होगी तो क्या प्रिंट होगा, चाइल्ड क्लास ये प्रिंट होगा, और ये डिस मेथड जब एग्जीक्यूट होगी तो क्या प्रिंट होगा, पेरेंट क्लास। ठीक है, फिर मेन मेथड में हमने
क्या किया, बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। ये जो बी क्लास है इसका ऑब्जेक्ट बनाया हमने, और इस बी क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोगों ने कौन सी मेथड कॉल की, सबसे पहले डिस्प। अब ये जो डिस्प्ले मेथड है, ये डिस्प्ले मेथड किस क्लास की है, ए क्लास की है ना ये, ठीक है। तो कर्सर कहाँ गया, यहाँ पर। अब ये जो मेथड है ये कैसे हुआ पॉसिबल, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया था, एक्सटेंड किया था। तो इसकी जितनी सारी प्रॉपर्टीज़ है, जितनी सारी मेथड है, वो कहाँ आ गई, इसके अंदर, बी क्लास के अंदर सारी मेथड, सारी प्रॉपर्टीज़ बी क्लास के अंदर आ गई हैं। तो हम लोग अभी विजुअली ऐसा देख रहे हैं कि वो ए क्लास में गया, लेकिन ऐसा नहीं है, वो कहाँ गया, वो बी क्लास के अंदर ही रहेगा। ये जो ऑब्जेक्ट है ये बी क्लास के अंदर ही रहेगा, ऑब्जेक्ट का जो ये मेथड है डिस्प्ले, क्योंकि बी क्लास के अंदर ही ये वॉइड डिस्प्ले ये मेथड आ गई है, इसी के अंदर, ठीक है, इंटरनली, ओके। तो ये मेथड एग्जीक्यूट हुई, जैसे ही यहाँ पे मेथड ख़त्म हुई, ये नेक्स्ट आई कहाँ पर, जहाँ से कॉल हुआ था उसके नेक्स्ट लाइन पे। अब ये वॉइड शो मेथड कॉल हुई, वॉइड शो मेथड क्या है, ये यहाँ पर है, ठीक है। तो जब ये डिस्प्ले मेथड कॉल हुई तो क्या प्रिंट होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन पेरेंट क्लास, और जब शो मेथड कॉल होगी तब क्या होगा, क्या प्रिंट होगा, चाइल्ड क्लास। तो हमारा आउटपुट क्या रहेगा, ये हमारा आउटपुट रहेगा, सबसे पहले क्या हुआ कॉल, पेरेंट क्लास और फिर चाइल्ड क्लास। अब इसमें देखने वाली चीज़ क्या है कि हम लोगों ने ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया क्या, नहीं, हम लोगों ने किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, है ना, बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर हम लोगों ने क्या किया, ए क्लास के मेथड्स और प्रॉपर्टीज को एक्सेस किया। क्लियर है, रियल लाइफ टाइम एग्जांपल लेना है हमें, नो सर, क्लियर है, क्लियर है ना, ओके ग्रेट। नेक्स्ट है हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि ये जो है ये एक क्लास है हमारे पास, क्लास ए, क्लास ए को क्लास बी ने इनहेरिट किया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक, लेकिन क्लास बी को क्लास सी ने इनहेरिट किया है। अब क्लास बी को जब क्लास सी इनहेरिट कर रहा है तो क्लास बी भी एक चाइल्ड क्लास है क्लास ए का, तो ये क्या हुआ, लेवल्स हो गए, ये फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल और थर्ड लेवल। तो ये जो पूरा है ये क्या हो जाएगा, ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो जाएगा। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि क्लास सी के अंदर क्लास बी की भी प्रॉपर्टी है और क्लास ए की भी प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब हमने कल देखा था कि एनकैप्सुलेशन, ठीक है, तो एनकैप्सुलेशन में हम लोग प्रोवाइड करते थे एक्सेसिबिलिटी, हमारे डेटा को कहाँ और कितनी एक्सेसिबिलिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए कि क्लास ए में एक कोई एक मेथड है, वो है प्रोटेक्टेड मेथड, एक प्रोटेक्टेड मेथड है एक्स नाम की, ठीक है, क्या हो रहा है ये, ओके ठीक है। क्लास ए में हमारे पास एक प्रोटेक्टेड मेथड है, कोई एक्स नाम की एक प्रोटेक्टेड मेथड है,
जब हमने क्या किया, क्लास बी ने क्लास ए को इनहेरिट किया, तो ये जो प्रोटेक्टेड मेथड है ये भी यहाँ पर आ गई। इसके अंदर प्रोटेक्टेड मेथड इनहेरिट हो सकती है, लेकिन जब वो क्लास बी के अंदर आई मेथड इनहेरिट होकर, तब वो एक्स मेथड क्या हुई, यहाँ पर प्राइवेट हो गई। क्लास बी के अंदर ये जो प्रोटेक्टेड मेथड है एक्स क्लास ए की, वो क्लास बी के अंदर क्या हुई, प्राइवेट। तो इस वजह से जब हम क्लास बी को इनहेरिट करेंगे क्लास सी के अंदर, तो क्या ये प्राइवेट मेथड जो यहाँ पर अभी प्राइवेट है, तो ये प्राइवेट मेथड क्लास सी के अंदर इनहेरिट होगी क्या, नहीं होगी, है ना। यहाँ पर वो क्या है, प्रोटेक्टेड है। क्लास ए के अंदर क्या है, प्रोटेक्टेड है। क्लास बी के अंदर वो क्या हो गई, इनहेरिट होके प्राइवेट। तो प्राइवेट मेथड इनहेरिट नहीं हो सकती, हमने हमें पता है ये रूल्स। तो इस वजह से ये क्या हुई, क्लास सी के अंदर इनहेरिट नहीं हुई। उसका जो रिस्ट्रिक्शन है वो यहीं तक रहेगा, एक्सेसिबिलिटी उसकी यहीं तक रहेगी। अगर हमें ये मेथड एक्सेस करनी है, तो आइदर हम क्लास ए के ऑब्जेक्ट के थ्रू उसे एक्सेस कर सकते हैं या क्लास बी के ऑब्जेक्ट के थ्रू, लेकिन क्लास सी के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उसे एक्सेस नहीं कर सकते। क्लियर? क्लियर है ये? वन मोर टाइम। ओके, हमारे पास एक प्रोटेक्टेड मेथड है, आई डोंट नो, शायद माउस को कुछ प्रॉब्लम है, ठीक से हो नहीं रहा है। ठीक है, हमारे पास एक एक्स नाम की प्रोटेक्टेड मेथड है यहाँ पर, तो जब क्लास बी क्लास ए के ये क्लास ए को इनहेरिट करेगा, ठीक है, क्लास ई ने इनहेरिट किया क्लास बी ने इनहेरिट किया क्लास ए को, ठीक है, तो क्लास ए की जितनी सारी मेथड्स थी, प्रॉपर्टीज थी, वो सारी मेथड्स प्रॉपर्टीज कहाँ जाएंगी, क्लास बी के अंदर, अगर वो प्राइवेट नहीं है तो। ठीक है, तो जैसे ही ये प्रोटेक्टेड जो मेथड है एक्स, तो ये प्रोटेक्टेड मेथड क्लास बी के अंदर इनहेरिट होके आ गई। तो क्लास बी के अंदर जब ये प्रोटेक्टेड मेथड इनहेरिट होके आएगी, तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी, ये मेथड हो जाएगी प्राइवेट, ये प्रोटेक्टेड नहीं रहेगी। क्लास बी के अंदर ये मेथड क्या हो जाएगी, प्राइवेट। क्लास ए की प्रोटेक्टेड मेथड इनहेरिट होके क्लास बी में आई, तो क्लास बी के अंदर ये मेथड प्राइवेट मेथड कंसिडर होगी। ठीक है, जब क्लास सी क्लास बी को इनहेरिट करेगा, तब क्या होगा, प्राइवेट मेथड उसके पास नहीं जाएंगी, इनहेरिट नहीं होंगी, क्योंकि प्राइवेट मेथड्स इनहेरिट नहीं होते। प्राइवेट मेथड्स, प्राइवेट मेंबर्स, ये इनहेरिट नहीं होते। ठीक है, क्लियर है? अभी रियल लाइफ से, हाँ रियल लाइफ टाइम एग्जांपल लेते हैं, हमारा फेवरेट एग्जांपल अंबानी फैमिली का। हाँ ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये फैमिली सबको पता है। ठीक है, धीरू भाई अंबानी है क्लास ए में, ठीक है, धीरू भाई अंबानी ने कुछ प्रॉपर्टी उनकी अपने पास रखी थी। अब उनके पास जो प्रॉपर्टी थी वो उन्होंने क्या किया, प्रोटेक्टेड रखा उस कुछ प्रॉपर्टी को। मान लीजिए कोई मुंबई में कोई एक प्रॉपर्टी थी, वो उन्होंने प्रोटेक्टेड रखी है। ठीक है, अब क्लास बी माने मान लीजिए कि मुकेश अंबानी है। अब इस प्रॉपर्टी के बारे में सिर्फ मुकेश अंबानी को पता था, उन्होंने क्या कहा, मुंबई की प्रॉपर्टी है, सिर्फ तुम यूज़ करो।
ठीक है, मेरे मतलब तुम मेरे चाइल्ड क्लास हो तो सिर्फ तुम यूज़ कर सकते हो उसे। तो मुकेश अंबानी ने कहा ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है धीरूभाई अंबानी की, प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी, तो ये प्रॉपर्टी अब मुकेश अंबानी क्लास बी जो है वो एज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। अब जब इन्होंने तय कर लिया है कि ये एज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो ये आकाश अंबानी तक आएगी ही नहीं प्राइवेट प्रॉपर्टी, क्योंकि ये क्या है, ये प्राइवेट है, इनको पता ही नहीं कि ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट भी करती है। ठीक है, तो क्लास अच्छा वो तभी ना यूज कर रहे हैं। नहीं, देखिए क्लास पेरेंट क्लास की प्राइवेट मेथड्स या प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ या इंस्टेंस वेरिएबल जो होते हैं वो चाइल्ड क्लास को पता ही नहीं होते कि वो एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि वो क्या है, स्ट्रिक्टली प्राइवेट है। क्लास ए की ये जो प्रोटेक्टेड मेथड है, ये प्रोटेक्टेड मेथड इनहेरिट होके ये हम लोगों ने एक्सेस मॉडिफायर कितने देखे थे, चार देखे थे। जावा में कितने एक्सेस मॉडिफायर है, चार। ठीक है, पहला क्या है, पब्लिक, तो पब्लिक माने क्या होता है, सबको एक्सेसिबल होता है। फिर आता है प्राइवेट, प्राइवेट मीन्स क्या होता है कि डेटा रिस्ट्रिक्ट होता है, वो उसी क्लास तक सीमित रहता है डेटा, उस क्लास के बाहर हम उनको एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक, अब फिर क्या आता है, प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड डेटा क्या होता है कि एक बार इनहेरिट होता है, मतलब सिंगल इनहेरिटेंस प्रोटेक्टेड डेटा में पॉसिबल है, लेकिन जैसे ही वो इनहेरिट होता है वो डेटा प्राइवेट हो जाता है, जैसा कि यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं अभी। प्रोटेक्टेड ये जो एक्स हमारी मेथड थी, ये एक्स मेथड क्या हुई, इनहेरिट होके, तो एक बार तो इनहेरिट हो गया, लेकिन जैसे ही वो इनहेरिट हुई वो क्या हुई, प्राइवेट, चाइल्ड क्लास में वो मेथड क्या हुई, प्राइवेट। अब जब ये मेथड प्राइवेट हुई है, तब उसके चाइल्ड क्लास को माने सी क्लास को पता ही नहीं कि ये मेथड एग्जिस्ट करती है, क्योंकि प्राइवेट मेथड्स और मेंबर्स कैन नॉट एक्सेस आउटसाइड द क्लास, वो इनहेरिट नहीं हो सकते, ना ही उनको एक्सेस किया जा सकता है, क्योंकि उनका जो क्या कहते हैं, स्कोप जो होता है वो उसी क्लास तक सीमित रहता है। ठीक है, क्लियर हुआ ये, या फिर से एक्सप्लेन करना है? ओके, तो ये रहा हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस का एग्जांपल देखते हैं हम, ये इस तरीके से क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। स्पेस कम है हमारे लिए, इसलिए हमने इस तरीके से इसको एडजस्ट किया है। ठीक है, यहाँ से फिर ये शुरू होगा। ओके, तो हमने क्या किया, क्लास ए एक डिक्लेयर किया, वहाँ पे क्लास ए के अंदर एक मेथड लिखी डिस्प्ले नाम की। ठीक है, अब ये मेथड क्या प्रिंट करती है, तो ये हमने प्रिंट किया यहाँ पे कि ये क्लास ए की मेथड है। ठीक है, फिर क्लास बी एक और एक क्लास है हमारे पास, तो वो क्लास क्या करता है, क्लास ए की मेथड को, क्लास ए को एक्सटेंड किया उसने, मतलब इनहेरिट किया क्लास ए को। तो क्लास ए की जितनी सारी मेथड्स थी, प्रॉपर्टीज थी, वो क्लास बी में आ गई, तो ये डिस्प्ले भी आ गई बी में। ठीक है, तो अब क्लास बी के एक खुद की एक मेथड है वॉइड शो। ठीक है, तो वॉइड शो मेथड क्या करती है कि ये प्रिंट करती है क्लास बी। अब हम हमारे पास एक और क्लास है क्लास सी, जो कि एक्सटेंड करती है क्लास बी को, और इसकी क्लास सी की भी एक और मेथड है गेट डेटा नाम की, हमने वहाँ पे प्रिंट किया क्लास सी। फिर हमने मेन मेथड में क्लास सी का ऑब्जेक्ट बनाया, और उसको देखिए हमने किसका ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पर, सी क्लास का। ठीक है, सी क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले मेथड किस क्लास की है, ए क्लास की है। ऑब्जेक्ट डॉट शो,
शो मेथड किस क्लास की है? तो बी क्लास की है। और ऑब्जेक्ट डॉट गेट डेटा, तो ये तो इसी क्लास की मेथड है, तो इसलिए हमारा आउटपुट क्या आएगा? क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। ये क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी, ये प्रिंट होके आएगा हमारे पास। ठीक है, अब मेरा एक सवाल है। अच्छा, आपका कोई सवाल है इसमें? ये क्लियर हुआ है? ये क्यों अलग अलग लिखते हैं? जैसे पहले में लिखे वर्ड डिस्प्ले, दूसरे में वर्ड शो, तीसरे में वर्ड गेट आता, मतलब वो तो नाम है ना मेथड्स के, वो तो हम कुछ भी दे सकते हैं। हाँ, वो कुछ भी हो सकता है ना, हम लोग उसके नाम कुछ भी दे सकते हैं। आपका सवाल क्या था? नहीं, अब पूछे पूछे। सेम हो सकते हैं, जैसे वर्ड डिस्प्ले क्लास ए में लिखे हैं तो फिर वर्ड डिस्प्ले बी में लिखे हैं। हाँ, तो ये सवाल आप याद रखिएगा, क्योंकि हमें इसके लिए एक कंप्लीट टॉपिक कवर करना है इस पे, मेथड ओवरराइडिंग नाम से। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये। ठीक है, एक हम लोग लिख सकते हैं, इट इज़ पॉसिबल, लेकिन फिर वो लिखने के बाद कैसे एग्जीक्यूशन होता है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी वहाँ नहीं जाते हैं, अभी सिर्फ इनहेरिटेंस पे ध्यान देते हैं। पहले इनहेरिटेंस क्लियर कर ले। कोई सवाल है आपको अभी? ठीक है प्रशांत जी, ठीक है, अब मेरे सवाल का एक जवाब दीजिए कि क्लास सी के अंदर कितनी मेथड्स हैं? ये जो हमारा क्लास सी है, इसके अंदर कितनी मेथड हैं? एक तो हमें ये गेट डेटा मिल रही है, ठीक है, तो क्या एक ही मेथड है, क्या दो मेथड है, क्या तीन मेथड है, या चार मेथड है? जी सर, एक ही है एक मेथड है, ठीक है, मींस उसके अलावा एक किसके अलावा? सी का खुद का अलावा एक और है। मतलब जो बी से एक्सटेंड किया है, नहीं, गेट मेथड डेटा में, और शो अरे हाँ, गेट डेटा और शो, बी तो दो मेथड हुई है। ठीक है, तो दो मेथड हैं, रितिका जी कह रही हैं कि दो मेथड हैं, और प्रशांत जी आप कितने कह रही हैं? जी सर, वही मैं भी बोल रहा था। दो मेथड हैं, जी तो गेट डेटा और शो ये दो मेथड हैं, जी सर, ये और ये। लेकिन शो भी कंटेन कर रहा है डिस्प्ले मेथड, हाँ, ऐसे देखा जाए तो 3 हो जाएंगे। तीन हो जाएंगे। तो मैंने मैंने पूछा था क्लास सी के अंदर क्लास सी के अंदर सर तब 2 दो कौन से मेथड?
गेट डेटा और एक शो। ओके हम लोग मेथड की बात कर रहे हैं, है ना? अगर मैं कहूँ आपसे कि इस क्लास सी के अंदर हमारे पास चार मेथड है, तो कैसे? देखिए, क्लास सी ने सबसे पहले एक्सटेंड किसे किया? बी को, इको ठीक है? सबसे पहले काउंट करते हैं क्लास सी के। हम लोगों ने क्या किया है, पहली एक मेथड काउंट कर ली, ये फर्स्ट वन। सी की पहली मेथड क्या है? गेट डेटा, ठीक है? अब चेक करते हैं क्लास सी को किसने, क्लास सी ने किसी को एक्सटेंड किया है क्या? तो हाँ, बी को एक्सटेंड किया है, ठीक है? तो बी की कोई मेथड्स है क्या? हाँ, एक ये मेथड है, तो ये काउंट क्या हुआ? दूसरा, गेट डेटा और शो, ये दो मेथड्स हो गई। अब क्लास बी ने एक्सटेंड किया है क्या किसी को? हाँ, ए को एक्सटेंड किया है, तो यहाँ पर उसकी कोई मेथड है क्या? तो हाँ, ये एक भी एक मेथड है, तो ये क्या हो गई? तीन मेथड हो गई, ठीक है? अब चौथी मेथड कहाँ है? तो ये रही चौथी मेथड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, हमारी मेन मेथड, जी सर मेन जी मेथड मेन मेथड। तो हमारे क्लास सी के अंदर कितनी मेथड हैं? चार। चार मेथड्स हैं। देखिए, ऐसे सवाल आपको मतलब अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे ना, तो ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं ऐसे। सिंपल था ये सवाल, लेकिन ट्रिकी था। मेथड्स हमें कितनी डिस्प्ले हो रही है यहाँ पर? ऑन स्क्रीन कितनी मेथड्स डिस्प्ले हो रही हैं? चार मेथड डिस्प्ले हो रही हैं। यही पूछा था कि कितनी मेथड है, ठीक है? ओके हाँ, एक और सवाल है मेरा। जब हम इस हमारे इस प्रोग्राम को सेव करेंगे, तो किस क्लास के नाम से सेव करेंगे? क्योंकि क्या होता है कि हम जावा का प्रोग्राम सेव करते हैं तो क्लास के नाम से ही सेव करते हैं, तो किस क्लास के नाम से सेव करेंगे हमारा प्रोग्राम? क्लास ए के नाम से। ओके प्रशांत जी, जी सर क्लास ए जी क्यों ऐसा? क्योंकि बाकी की क्लास सर इनहेरिट क्लास ही से तो स्टार्ट हुआ है इसलिए अच्छा, नहीं आप पेरेंट क्लास उसके सब ए है पेरेंट पेरेंट क्लास है, इसलिए आप कह रहे हैं कि वो पेरेंट क्लास ए है। हाँ। तो क्या होता है कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि पेरेंट क्लास है, तो इसलिए हमारा रूल क्या कहता है कि किस क्लास के नाम से सेव करना चाहिए, कि जिस क्लास में हमने मेन मेथड लिखी है उस क्लास के नाम से ही हमारा प्रोग्राम सेव होना चाहिए। तो मेन मेथड किस क्लास में है? क्लास सी में क्लास सी में। तो हमारा प्रोग्राम जो होगा वो क्लास सी के मतलब सी के नाम से सेव होगा, सी डॉट जावा। हमारे प्रोग्राम का नाम क्या होगा? सी डॉट जावा। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आपका प्रोग्राम उसी नाम से सेव होना चाहिए जिस नाम से आप जिस क्लास के अंदर आपकी मेन मेथड है। कई बार आपका प्रोग्राम हो सकता है कि विदाउट एनी एरर रन हो जाए, लेकिन कभी रन नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है कि लॉजिकल एरर्स आती हैं आपको। हम लोगों ने बात की थी एरर्स के बारे में, सिंटेक्टिकल एरर एंड लॉजिकल एरर, ठीक है?
तब लॉजिकल एरर जब आता है तब आप ऐसे सिचुएशन में फंस जाएंगे, तब आपको पता नहीं चलेगा। तो मे बी पॉसिबिलिटीज़ है कि अगर आपने आपके क्लास का नाम, मतलब मेन मेथड जिस क्लास में है उस क्लास से अगर सेव नहीं किया है तो भी एरर्स आ सकती हैं। ठीक है, तो ये बात हमेशा आप ध्यान में रखिए कि उसी क्लास के नाम से सेव कीजिए आपका प्रोग्राम, कि जिस क्लास में आपकी मेन मेथड है। ओके okay? जी सर। नेक्स्ट देखते हैं, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अब हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक पेरेंट क्लास होता है और उसके एक से ज़्यादा चाइल्ड क्लास होते हैं। ठीक है, अब ये जो है ये अगर हम लोग इसको डिवाइड करें, ठीक है, तो ये क्या हुआ, सिंगल इनहेरिटेंस। क्लास ए और क्लास बी, मतलब क्लास बी ने क्लास ए को इनहेरिट किया, तो ये क्या हुआ, सिंगल इनहेरिटेंस हुआ। वैसे ही क्लास सी ने क्लास ए को इनहेरिट किया, तो ये भी तो सिंगल इनहेरिटेंस हुआ है। लेकिन क्लास बी यहाँ पर क्या हुआ है, दो बार इनहेरिट हुआ है, दो अलग अलग क्लासेस में। ठीक है ना, कैसे भी दो बार हो गया। क्लास ए दो बार इनहेरिट हुआ, क्लास सी के कैसे लिए दो बार हुआ। क्लास ए को क्लास सी ने भी इनहेरिट किया और क्लास ए को क्लास बी ने भी इनहेरिट किया। तो क्लास ए कितनी बार इनहेरिट हुआ, दो बार इनहेरिट हुआ। तो क्लास ए के चाइल्ड कितने हुए, दो चाइल्ड हुए क्लास ए के, बी और सी। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। क्लास ए हमने लिखा है यहाँ पर, क्लास ए उसकी एक मेथड है हमारे पास डिस्प्ले, यहाँ पे हमने लिखा है क्लास ए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्लास ए। अब क्लास बी को, क्लास बी ने एक्सटेंड किया क्लास ए को। ठीक है, अब ये जो है ये क्या हुआ, ये सिंगल इनहेरिटेंस हुआ। ठीक है, बी ने ए को इनहेरिट किया। ओके ठीक है, अब बी की भी एक मेथड है शो नाम की। ठीक, और फिर हमने एक क्लास सी लिखा, क्लास सी ने भी ए को इनहेरिट किया। तो जैसे ये सिंगल इनहेरिटेंस हुआ ये यहाँ से यहाँ तक, तो वैसे ये भी तो सिंगल इनहेरिटेंस ही है, क्लास सी ने ए को इनहेरिट किया तो ये भी सिंगल इनहेरिटेंस हुआ। तो जैसे क्लास बी ने इनहेरिट किया ए को, तो ये जो वॉइड डिस्प्ले मेथड है ये कहाँ गई, बी के अंदर भी आ गई। वैसे ही क्लास सी ने इनहेरिट किया क्लास ए को, तो ये जो डिस्प्ले मेथड है ये क्लास सी में भी आ गई। ठीक है, अब अगर हम लोग सी को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और सी के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग कॉल करते हैं डिस्प्ले और गेट डेटा, ठीक है, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, डिस्प्ले का ऑब्जेक्ट कौन सा है, सॉरी डिस्प्ले मेथड क्लास ए, तो ये क्लास ए कॉल हो गया। गेट डेटा, तो गेट डेटा से, ओ सॉरी यहाँ पे क्लास सी होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे होना चाहिए क्लास बी। तो जैसे ही गेट डेटा कॉल होगा तो ये क्लास सी प्रिंट हो जाएगा, और फिर हमने क्या किया, बी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया और बी क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने शो मेथड को कॉल किया, तो इसलिए क्लास बी भी प्रिंट हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम बी क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर डिस्प्ले को कॉल करते हैं, बी डॉट डिस्प्ले अगर लिखते हैं, तो इसके बाद क्लास ए भी लिखा हुआ आ सकता है। क्योंकि क्या है कि बी ने
ए को बी इनहेरिट किया, बी ने ए को इनहेरिट किया है और सी ने बी इनहेरिट किया है ए को, तो ये जो डिस्प्ले मेथड है ये बी में भी है और सी में भी है, क्लास है ना? तो अब आप बताइए मुझे कि हमारे इस क्लास में कितनी मेथड है? हाँ सी में बताइए कितनी मेथड है, क्लास सी में? तो तीन मेथड इसमें होते हैं क्लास सी में तीन मेथड हैं, ठीक है। जी। और क्लास बी में कितनी मेथड हैं? क्लास सी में चार मेथड हैं, ठीक है। कौन सी चार मेथड हैं? और शो कहाँ से इसमें जाएगा जी सी में? बिल्कुल प्रशांत जी, बिल्कुल सही। रितिका जी, शो शो मेथड कैसे आ गई सी क्लास के अंदर? ए बी में भी एक्सटेंड हो रहा है तो हाँ, तो नहीं, देखिए एक्सटेंड कर रहा है मतलब क्या हो रहा है, बी में एक्सटेंड किया माने बी ने एक्सटेंड किया है, तो यहाँ पर बी जो है ये चाइल्ड क्लास है, वैसे ही सी भी एक चाइल्ड क्लास है, दोनों अलग अलग हैं, इनका पेरेंट एक है, ए जो है ये पेरेंट है। तो सी क्लास के अंदर कितनी मेथड हैं? तीन मेथड है। कौन सी है? डिस्प्ले, गेट डेटा और मेन। मेन मेथड, ओके परफेक्ट। और बी क्लास के अंदर कितनी मेथड हैं? शो, डिस्प्ले और शो। ओके ग्रेट। और इस पूरे प्रोग्राम में हमारे कितनी मेथड हैं? सवाल मत पूछे, जवाब दीजिए। क्वेश्चन नहीं चाहिए उसके आगे। क्या होगा, गलत होगा ना? सर, जैसे यहाँ पे बी में भी एक वो लिया जा रहा है और जी सी में भी लिया जा रहा है, तो सर अगर उसको ऐड करेंगे दोनों को, हाँ सी का थोड़ा सा ज़्यादा, ए जो है दो बार हो जा रहा है दोनों में, सही, वैसे तो नहीं तो चार होगा, और वैसे करेंगे तो पाँच हो जाएगा। पांच होगा, तो ये पांच जो आंसर है ये परफेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया प्रशांत जी, ठीक है, क्लियर हुआ है अभी? रितिका जी आपको क्लियर हुआ कि पांच मेथड्स कैसे आई हमारे प्रोग्राम में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है कि एक चाइल्ड क्लास होता है और उसके एक से ज़्यादा पेरेंट होते हैं। अब क्लास सी जो है ये हमारा एक चाइल्ड क्लास है और वो एक्सटेंड करता है क्लास ए, उसने एक्सटेंड किया क्लास ए को भी और क्लास बी को भी, तो ये क्लास ए और क्लास बी ये दोनों क्या हुए, पेरेंट क्लास हुए। तो जावा में ये पॉसिबल नहीं है, जावा में ये पॉसिबल नहीं है। मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? देखिए
कि जब भी हम कोई, अब मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक यहाँ पर एक्स नाम की एक मेथड है, ठीक है। अब क्लास ए के अंदर एक्स नाम की एक मेथड है, अब क्लास बी जो है वो एक अलग दूसरा क्लास है, ठीक है। अब हो सकता है कि उस क्लास में भी कोई एक्स नाम की मेथड हो, ठीक। अब जब क्लास सी इस क्लास ए को और क्लास बी को इनहेरिट करेगा, और हमने ऑब्जेक्ट लिखा सी का, सी डॉट एक्स अगर हमने कॉल किया, तो कंपाइलर को जो कैसे पता चलेगा इंटरप्रेटर को कि किस क्लास की मेथड एग्जीक्यूट करनी है, क्लास बी की करनी है या क्लास ए की करनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम्बिग्यूटी। प्रॉब्लम समझ में आया हमारा? तो एम्बिग्यूटी अवॉइड करने के लिए मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हमें कुछ ऐसी कंडीशंस आती है कि जहाँ पे हमें मल्टीपल इनहेरिटेंस ज़रूरी होता है, तो हम लोग इंटरफेस के ज़रिए, जैसे हमारे एक हम लोग क्लास ये देखते हैं तो वैसे ही इंटरफेस होता है, तो वैसे ही हम इंटरफेस के ज़रिए हम लोग उसे इम्प्लीमेंट करके मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल कर सकते हैं, ठीक है। अब नीचे के ये जो प्रोग्राम है, तो इस प्रोग्राम में देखिए क्या है कि एक क्लास लिखा है हमने क्लास ए और एक क्लास बी है, ठीक है। अब क्लास ए के अंदर डिस्प्ले नाम की एक मेथड है और क्लास बी के अंदर शो नाम की एक मेथड है। तो जब हम एक्सटेंड करेंगे हमारे क्लास को, तो क्लास सी क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है ए को और कॉमा बी को। तो ये जो एक्सटेंड कॉमा है, तो ये पॉसिबल नहीं है, जावा ये सपोर्ट ही नहीं करता यहाँ पर कि एक्सटेंड के मल्टीपल क्लासेस को एक्सटेंड करने के लिए जावा सपोर्ट ही नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये डायरेक्टली एरर आ जाएगा, हमारा जो आउटपुट रहेगा वो एरर रहेगा, ये प्रोग्राम हमारा रन ही नहीं होगा, ठीक है। जी ठीक है। तो हम लोग अभी एक काम करते हैं कि अभी जो हमने ये प्रोग्राम देखे, ठीक, तो चार प्रोग्राम देखे हमने, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस और मल्टी पल इनहेरिटेंस। ये चार टाइप्स के इनहेरिटेंस के प्रोग्राम हमने देखे। मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये भी देखा हमने कि ये क्यों पॉसिबल नहीं है। तो अभी आप लोग क्या कीजिए कि ये जो प्रोग्राम हमने अभी देखे हैं जस्ट थ्योरेटिकली, इनको आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखिए, ठीक है। सेम प्रोग्राम लीजिए, इसी को एग्जीक्यूट कीजिए। अगर यहाँ पे कोई समस्या है आपको, तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसी प्रोग्राम को लीजिए, जी सर, तो आज रुकते हैं फिर यहीं, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू।